केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी नगर निगम के लिए कबाड़ हो गए। महात्मा गांधी का स्टैचू कबाड़ से बनाया गया था और कबाड़ की तरह ही कूड़ा गाड़ी में डालकर कबाड़ घर भेज दिया गया। कबाड़ से जुगाड़ बनाने में माहिर नगर निगम मेरठ ने शासन की वाहवाही पाने के लिए महात्मा गांधी की स्टैचू जरूर बनाई, लेकिन वह भी किसी हॉरर पात से कम नजर नहीं आई। नगर निगम के जिम्मेदार नौकर शाह वे महापौर को कमिश्नरी चौराहे पर स्थित सेल्फी पॉइंट पर खड़े किए गए कबाड़ में किधर से राष्ट्रपिता नजर आए, यहाँ निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। बहरहाल फजीयत के बाद इस स्टैचू नुमा कबाड़ को वहां से कबाड़ की तरह ही हटा दिया गया। कूड़ा गाड़ी में इस स्टैचू को डालकर आज कबाड़ में डाल दिया गया। नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने सरकार की वाहवाही लूटने के लिए शहर में कई जगह कबाड़ के जुगाड़ खड़े किए हैं। बच्चा पार्क में टूटे हुए साइकिल के रिम लगाकर डिवाइडर बना दिया गया है। विश्वविद्यालय मार्ग पर काटे गए टायर लगाकर कुछ नया कर दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं इव्स चौराहे पर लोहे की किताब का पेड़ बना दिया गया है। सर्किट हाउस के बाहर बनाए गए गोल चक्कर पर भी कबाड़ से ही कुछ ऐसा ही प्रयोग किया गया है। अभी इन सभी प्रयोग को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी से ही कबाड़ नजर आने लगे हैं। जेल चुंगे चौराहे पर जरूर लकड़ी का एक चरखा लगाया गया है, जिसकी तारीफ शासन स्तर पर भी हुई है। इस कड़ी में 2 अक्टूबर को नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों ने कमिश्नरी चौराहे पर स्थित सेल्फ पॉइंट पर एक कबाड़ का स्टैचू खड़ा कर दिया। इस स्टैचू को महात्मा गांधी का स्टैचू कहकर प्रचारित भी किया गया। आज इसे कुछ इस तरह से हटा भी दिया गया। इस बारे में जब firstbite.tv ने नगर निगम से पक्ष जानना चाहा, तो अपर नगर आयुक्त का यह कहना था। देखिए, कबाड़ से जुगाड़ का तो मैं मतलब समझता हूँ कि जो हमारे पास स्क्रैप का है सामान पड़ा हुआ है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें और कम पैसे में हम उसका सही यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि डिवाइडर है, डिवाइडर पे हम लोगों ने रेलिंग की जगह जो है साइकिल के चरखे बना दिए, चक्के बना दिए, उससे रेलिंग बना दी। इसी तरह से हम लोगों ने फाउंटेन बना दिया कबाड़ से जुगाड़ के तहत। इसी तरह हम लोगों ने जो है लाइट का लाइटनिंग ट्री बना दी हम लोगों ने। तो जगह जगह हमको गांधी जी का हम लोगों ने चरखा बनाया जे चुंगी दौरा पर। तो इस तरह से जगह जगह पे हम लोग जो है इस तरह का काम करते हैं, उसकी प्रशंसा भी होती है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। गांधी जी की मूर्ति क्या, मैं आपको बताऊँ कि जो गांधी जी की जो हम लोगों ने वो स्टैचू है, जैसे मूर्ति नहीं कहेंगे उसको, स्टैचू कहेंगे। और चूंकि 2 अक्टूबर का पर्व था, इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि इसको जो है एक अच्छा समय है और गांधी जी जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता के प्रतीक हैं, तो उनके उसमें जो है हम लोगों ने वहाँ पे 2 अक्टूबर को अपनी जो स्टैचू इंस्टॉल किया था। लेकिन वो स्टैचू इसलिए नहीं परमानेंटली किया था, वो एक लोगों से फीडबैक लेने के लिए किया था कि लोगों का क्या फीडबैक आता है, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो उसमें अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं, कुछ वैसे और भी सुझाव आ रहे हैं कि भाई इसको और अच्छा बना दिया जाए। तो अभी इसमें हम उसमें और अच्छा करेंगे और फिलहाल अभी इसको हम लोग हटा करके उसको बढ़िया बना करके दिक्कत किसी अन्य जगह उसको स्थापित करेंगे। सर, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की,
नहीं नहीं ऐसा है, वो तो सिर्फ एक हम लोग इससे 2 अक्टूबर का समय था, इससे इंस्टॉल किया था कि लोगों का फीडबैक मिल जाए कि हम लोग जो बना रहे हैं लोगों को कैसा लग रहा है। तो लोगों में आपत्तियां नहीं, सुझाव आए हैं, तो उसको हम लोग जो है और अच्छी तरीके से करके उसको कहीं अन्य जगह स्थापित करेंगे। फिलहाल उसको हटाएंगे, हटा करके अन्य जगह स्थापित करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।